नमस्कार छात्रों, आज हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के टॉपिक मेथड स्टडी का अध्ययन करेंगे। मेथड स्टडी अर्थात कार्य विधि अध्ययन, कि किसी भी इंडस्ट्री में जब कोई कार्य किया जाता है तो वह उसको कैसे हम सुधारें, उस पर आज हम विचार करेंगे। इसमें आज हम जो पढ़ेंगे टॉपिक वह होगा डेफिनेशन, मेथड स्टडी की डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेथड स्टडी, ये कार्य विधि अध्ययन के उद्देश्य क्या हैं, और प्रोसीजर ऑफ मेथड स्टडी अर्थात मेथड स्टडी का प्रोसीजर या कार्य विधि कैसी है। मेथड स्टडी कार्य विधि अध्ययन, इसको हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। मेथड स्टडी इज द टेक्निक ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड वेज ऑफ डूइंग वर्क एंड डेवलपिंग एंड ईजियर एंड इकोनॉमिकल मेथड। अर्थात जो कार्य विधि अध्ययन है वह मौजूदा एवं प्रस्तावित जो कार्य करने के जो तरीके हैं उनका एक सिस्टमेटिक, एक निश्चित क्रम में उनकी रिकॉर्डिंग या अंकन करना और उनका क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना, उनको उन पे उनका परीक्षण करना, ताकि हम एक इजी यानी आसान और इकोनॉमिकल यानी कम खर्चीला तरीका हम तैयार कर सकें। तो इस प्रकार मेथड स्टडी जो है वह किए जाने वाले कार्य और जो भविष्य में किए जाएंगे यानी मौजूदा एवं प्रस्तावित जो कार्य हैं उनका अध्ययन करना, उनको रिकॉर्ड करके उनका अध्ययन करना, ताकि हम एक ऐसी विधि को डेवलप कर सकें, निर्माण कर सकें, जिसमें कम खर्चा लगे और आसानी से हो सके। जो मेथड स्टडी है वह जो किए जाने वाला कार्य है उसको एग्जामिन करता है या उसका परीक्षण करता है। जैसे कार में क्लच को बदलना, तो ये एक तरीका है कि कैसे कार के क्लच को बदला जाए। क्लीनिंग है होटल रूम, जो होटल का जो मैं कमरा है उसको कैसे साफ़ किया जाए जो आसानी से भी हो जाए और कम खर्चीला हो, कम समय लगे, कम मेहनत करनी पड़े। द इंडस्ट्रियल इंजीनियर हैज एन आई ऑन ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड कॉस्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोसेसेस, सर्विस रिलायबिलिटी, स्टाफ सेफ्टी एट्सेट्रा। तो जो औद्योगिक इंजीनियर, जो उद्योगों में इंजीनियर जो काम कर रहे हैं अभियंता, वह जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी यानी जो कार्यशील जो उसकी दक्षता है और जो उस पर कॉस्ट आ रही है, उस पर जो निवेश हो रहा है, उस पर ध्यान रखते हैं ताकि दक्षता में कमी नहीं आ पाए और जो निवेश या जो पूंजी उसमें लग रही है उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी ना हो, इस पर हमेशा ध्यान रखते हैं। क्वालिटी ऑफ प्रोसेसेस यानी जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उनकी जो क्वालिटी है उसमें कोई कमी ना आए, उस पर ध्यान रखते हैं। सर्विस रिलायबिलिटी, जो विश्वसनीयता है सेवा की, उस पर नज़र रखते हैं। स्टाफ सेफ्टी, जो कार्मिक जो कार्य कर रहे हैं वहाँ पे कर्मचारी, उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं। तो ये काम एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर का होता है। जो मेथड स्टडी की जो टेक्निक्स हैं वह फैक्ट्री में वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग कर जो कर रहे हैं या केबिन क्रू एक्टिविटीज़ यानी जो आप हवाई जहाज़ में या पानी के जहाज़ में वहाँ तक में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, उसको कार्य में ला सकते हैं। इससे हम वहाँ जो कार्य किए जा रहे हैं उनमें हम उन्नति कर सकते हैं, उनमें हम संशोधन कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेथड स्टडी, मेथड स्टडी यानी कार्य विधि अध्ययन का उद्देश्य जो है वो क्या क्या है। पहला, इम्प्रूवमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स, जो उत्पादन में जो क्रियाएं और जो उनमें विधियां काम में ली जा रही हैं उनमें इम्प्रूवमेंट करना, उनमें उन्नति करना, बढ़ोतरी करना, यह एक मुख्य उद्देश्य है। इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्किंग कंडीशन, जो कार्य करने की जो स्थितियां परिस्थितियां हैं उनमें सुधार करना। इम्प्रूवमेंट ऑफ प्लांट लेआउट एंड वर्क प्लेस लेआउट, जो प्लांट लेआउट है और जो कार्य करने के लिए प्लेस जो स्थान में लेआउट है उसमें सुधार करना। रिड्यूसिंग द ह्यूमन एफर्ट एंड फैटिंग, जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं मानव, उनका जो जो उसमें
कार्य करने में जो एफर्ट्स लगा रहे हैं उसको कम करना, यानी वो कम कार्य कम एफर्ट्स लगाते हुए ज़्यादा कार्य कर पाएँ ताकि वह थके नहीं, उसका ध्यान रखना, इसको कम करने में हमें मेथड स्टडी का ऑब्जेक्टिव है। रिड्यूसिंग मेटेरियल हैंडलिंग, जो मेटेरियल हैंडलिंग यानी सामग्री प्रस्थान जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं उसको कम से कम करना। इम्प्रूवमेंट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट डिज़ाइन, जो प्लांट और इक्विपमेंट्स उपकरणों का जो डिज़ाइन है उनमें सुधार करना, ताकि ऐसे उपकरण बनाए जाएँ, ऐसा प्लांट लगाए जाएँ जिसमें कि हमें कम से कम उसमें कार्य करना पड़े। इम्प्रूवमेंट इन द यूटिलिटी ऑफ मटेरियल, मशीन्स एंड मैन पावर, जो सामग्री है, मशीनें हैं, मैन पावर जो है उसमें उनको काम करने में उनका अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके, ऐसा इम्प्रूवमेंट करना। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेथड, जो विधियां हैं उनको उनका मानक बनाना ताकि हर जगह वो काम में ली जा सकें, एक व्यक्ति एक मशीन से दूसरी मशीन पे या एक स्थान से दूसरे स्थान पर कार्य करने जाएं तो उसमें को कम से कम उसको दिक्कत आए और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना आउटपुट दे पाए। इम्प्रूवमेंट इन सेफ्टी स्टैंडर्ड, जो सुरक्षा के जो मानक हैं उनमें सुधार करना, ये सारे मुख्य उद्देश्य हैं मेथड स्टडी के। प्रोसीजर ऑफ मेथड स्टडी, अब जो कार्यविधि अध्ययन का जो तरीका है वह क्या है, ये एक फ्लो चार्ट से दिखाया गया है। सेलेक्ट, रिकॉर्ड, इस जो बेसिक प्रोसीजर है उसमें ये फ्लो चार्ट काम आता है। सेलेक्ट पहला जो दिखाया गया है, तो इसमें जिस कार्य को हमें अध्ययन करना है उसको सर्वप्रथम सेलेक्ट किया जाता है। फिर है रिकॉर्ड, जो उस तरीके से सीधा ऑब्जर्वेशन करके जो बातें हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, यानी उस कार्य से संबंधित जो हमें सीधा सीधा दिख रहा है उनका रिकॉर्ड करना कि वो किस तरीके से किया जा रहा है, कितना समय लग रहा है, इस तरीके की चीज़ें किस विधि से किया जा रहा है। इसके बाद एग्जामिन, जो फैक्ट्स जो हमने तथ्य जो इकट्ठे किए हैं उनका अच्छी भली भांति से उनको परीक्षण करना। फिर फ्लो चार्ट में आता है ओके, अगर ये सब सही हों तो हम आगे बढ़ते हैं, अगर इनमें कुछ एग्जामिन करने में कोई सही नहीं मिलता है तो हम वापस सेलेक्ट करते हैं, इस तरीके से हम वापस चले जाते हैं लूप में। अदरवाइज जब ये ओके होता है तो उसके बाद हम चलते हैं डेवलप करने में, डेवलप द मोस्ट एफिशिएंट इकोनॉमिक मेथड, तो अब उसमें जो किया जा रहा कार्य है उसका सबसे अच्छा प्रभावी तरीका और सबसे किफ़ायती तरीका हम डेवलप करते हैं। उसके बाद डिफाइन द न्यू मेथड, उस जो वो तरीका जो हमने डेवलप किया है मेथड उसको हम डिफाइन करते हैं कि ये किस प्रकार किया जाएगा, इसको शब्दों में या उस तरीके से हम इसको डिफाइन परिभाषित करते हैं। इंस्टॉल द न्यू मेथड या इम्प्लीमेंट, कि अब जो हमने नया मेथड जो हमने डेवलप किया है, उन्नत किया है, उसको वहाँ पे जिस स्थल पे वो किया जा रहा है इंडस्ट्री में उसको वहाँ इंस्टॉल करना, इम्प्लीमेंट करना, यानी वहाँ के कर्मचारी उसको कार्य में लें, इस बात का ध्यान रखना। और मेंटेन द न्यू मेथड बाय रेगुलर चेकिंग, और समय समय पर उस नए तरीके का चेक करना ताकि वो हमें मालूम पड़े कि सारे जो वर्कर्स हैं उसको लगातार काम में ले रहे हैं, यानी उस तरीके को वहाँ पे मेंटेन करना कि हमेशा काम में लिया जाए, जो वर्कर हैं कोई दूसरे तरीके को पुराने तरीके को तो नहीं अपना रहे, इसका बिल्कुल से ध्यान रखना। जब मेंटेन हो जाए तो फिर वापस से दूसरा कोई विधि है, कार्य है, तो उसको सेलेक्ट करना। तो ये एक फ्लो चार्ट से दिखाया गया था। अब इसको हम अगर थोड़ा विस्तृत रूप से देखना चाहें तो जो पहला आया प्रोसीजर में जो पहला स्टेप था वो सेलेक्ट था। तो जब भी हम किसी कार्य को मेथड स्टडी के लिए सेलेक्ट करते हैं तो हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, इकोनॉमिकल फैक्टर्स, ह्यूमन फैक्टर्स और टेक्निकल फैक्टर्स, यानी अर्थशास्त्रीय जो उसके कारक हैं, यानी इकोनॉमिकल जो पैसे से रिलेटेड है उन बातों का ध्यान, कारकों का ध्यान रखना, ह्यूमन फैक्टर्स जो मानव संबंधित कारक हैं, और टेक्निकल फैक्टर्स यानी तकनीक के रूप में। तो हम तीनों बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है रिकॉर्ड, दूसरा स्टेप जो था। तो जो भी अभी मौजूदा जो तरीका काम में जिसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके बारे में सारी डिटेल, सारे तथ्यों को इकट्ठा करना, रिकॉर्ड करना।
इसको सीधा हम कार्य करते हुए को देखते हुए हम ऑब्जर्व करते हुए हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो एक्टिविटीज़ यानी जो कार्य उसमें किया जा रहे हैं उनको हम सिंबल्स या प्रतीकों द्वारा हम उनको दर्शा सकते हैं, जैसे ऑपरेशन इंस्पेक्शन को, ट्रांसपोर्ट को, स्टोरेज डिले, अगर कोई कार्य में देरी हो रही है तो उसको, तो हम इन सभी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम सिंबल्स द्वारा उसको रिप्रेजेंट करते हैं। रिकॉर्डिंग के लिए जो विभिन्न चार्ट या डायग्राम्स हम काम में लेते हैं, ये चार्ट निम्न है: ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट, फ्लो प्रोसेस चार्ट, टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट, मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट, फ्लो डायग्राम, स्ट्रिंग डायग्राम। तो ये सारी इन चीज़ों का हम ध्यान को काम में, रिकॉर्डिंग के काम में लेते हैं। तीसरा स्टेप था एग्जामिन। तो जो तकनीक काम में ली जा रही है उसमें कई प्रश्न पूछ के कि क्यों लिया जा रहा है, कैसे लिया जा रहा है, इस तरीके से हम उसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन उसका हम करते हैं, परीक्षण करते हैं। यह जो स्टेप है वह जो चार्ट और डायग्राम को, जो सुटेबल चार्ट्स हैं और डायग्राम्स हैं उनको रिकॉर्ड करने के बाद में काम में लिया जाता है, क्योंकि ये थर्ड स्टेप है। जो एक कोई भी एक्टिविटी है उसको हम जो परीक्षण करते हैं विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को ध्यान में रख के उनका एग्जामिन करते हुए हम इसको पूरा करते हैं। चौथा जो स्टेप था डेवलप या उन्नत करना। तो सब सर्वाधिक एफिशिएंट यानी दक्ष और इकोनॉमिक मेथड यानी कम खर्चीला मेथड उसको हम काम में डेवलप करते हैं, ताकि हमें, हम जब उसको काम में लें इस तरीके को, तो वो सबसे अधिक तो एफिशिएंसी दें और इकोनॉमिकल भी हो, ये हम ध्यान में रखते हैं। तो इसको, इसलिए हम ऐसा मेथड डेवलप करते हैं। पांचवा जो स्टेप है डिफाइन करना यानी उसको परिभाषित करना। तो जब एक किसी भी जॉब की पूरी तरीके से उसका अध्ययन हो जाता है तो हम जो, और उसके बाद हम जब नया मेथड, नया तरीका जब हम डेवलप कर लेते हैं तो उसको मैनेजमेंट के सामने उसको लागू करने से पहले हम उसको प्रेजेंट करते हैं। तो यह आवश्यक है कि मैनेजमेंट उसको अप्रूव करे या उसमें स्वीकृति दे। तो इसके लिए हमें एक, जो जिसने भी उसका स्टडी किया है उसको एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है, जो कि मौजूदा तरीकों और जो प्रस्तावित हैं, जो इम्प्रूवमेंट करने के बाद जो हमने डेवलप किया है वो प्रस्तावित तरीके, उनके लिए हम एक रिपोर्ट बनाते हैं और वो मैनेजमेंट के सामने रखनी पड़ती है। तो इस तरीके से हम उसको रिपोर्ट में हम डिफाइन करते हैं कि हम क्या क्या करेंगे, तो ये मैनेजमेंट के सामने रखा जाता है। फिर छठा जो स्टेप था इंस्टॉल। यह तरीका मेथड हिस्ट्री का काफ़ी डिफिकल्ट स्टेज माना जाता है, क्योंकि इसमें जो मैनेजमेंट का और साथ में अगर कोई इंडस्ट्री में ट्रेड यूनियन है उनका, दोनों का हमें इसमें सपोर्ट चाहिए होता है किसी भी चीज़ को लागू होने, क्योंकि जब भी कोई चेंज होता है तो उसका कुछ लोग विरोध करते हैं, कुछ उसके पक्ष में होते हैं, तो वह बड़ा ही डिफ़िकल्ट स्टेज होता है कि उसको सभी स्वीकार करें। तो इसके लिए यहाँ दोनों की जो स्वीकृति आवश्यक होती है। तो इसके लिए जो वर्क स्टडी मैन, जो आदमी काम कर रहा है इस पर, उसमें ऐसी स्किल होनी चाहिए कि वह सभी लोगों का उस पर विश्वास हो और उनकी स्वीकृति प्राप्त कर सकें। तो सभी लोगों से उसमें ऐसी दक्षता होनी चाहिए कि वो सभी को कन्विंस कर पाए कि उसने जो प्रोसीजर डेवलप किया है और उसे जब इंस्टॉल करेंगे तो वह मैनेजमेंट के अलावा जो वो वर्कफोर्स है जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी लाभकारी होगी। तो यह उसमें, ऐसी उसमें स्किल होनी चाहिए। फिर सातवां जो स्टेप है मेंटेन। जो जिसने, जो व्यक्ति वर्क स्टडी मैन है, कि उसने जो नया मेथड दिया है और जिसको इंस्टॉल किया गया है वह उस इंडस्ट्री में फॉलो भी किया जा रहा है नहीं, या उस पर लोग कार्य कर भी रहे हैं या नहीं, इसको उसका ध्यान देना होता है, उसको मेंटेन करवाना होता है, यह उसकी जिम्मेदारी होती है। मैं
क्योंकि जो वर्कर्स हैं कुछ समय बाद वापस अपने पुराने तरीकों पे आ जाते हैं, क्योंकि वो नया तरीका उनको, नए तरीके को आदमी जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो इसलिए वो वापस पुरानी स्थिति में जाना चाहता है। तो वो यहाँ पे उस वर्क स्टडी मैन की यह ड्यूटी हो जाती है कि वह उस जो नया तरीका इंट्रोड्यूस किया गया है उसी को सब फॉलो करें, मेंटेन करें, इस पे वो ध्यान दें। ये तो वापस पुराने तरीके पर जाने के लिए किसी को भी वो अलाउ नहीं करें। नया जो तरीका जो डेवलप किया गया है उसमें हो सकता है कि कुछ कमियां हों और उसमें कुछ कठिनाइयां भी आ रही हों, तो इसको समय समय पर जो इंजीनियर वर्क स्टडी मैन हैं उसके द्वारा सुधार किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार जो डेवलप हो गया वही फाइनल है। अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है, कुछ उसमें कमियां हैं, तो उसको समय के साथ सुधार किया जाए। धन्यवाद।